नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रवि रंजन हाय 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 हाय, रवि रंजन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रवि रंजन को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए, निर्दल से पद से हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रवि रंजन मुर्दाबाद। कोरोना काल के संक्रमण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी लोग अपने अपने कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान करें और उनके प्रति मानवीय संवेदना दिखाएं। लेकिन राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील यहां टूटती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को कहा था उसका पूरी तरह से यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए उनके जो फरमान थे या जो उनकी अपील थी उसको मानने का काम यहाँ साई अस्पताल के जो प्रबंधक है वो नहीं कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं ये तमाम कर्मचारी हैं जिनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। कोरोना काल में काफ़ी महामारी के से जूझने के बावजूद भी कभी लोगों को निराशा हाथ लगी है, उनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आप लोगों के साथ हुआ। हम लोग के साथ यही हुआ है कि हम लोग को पिछले साल भी 3 महीना पेमेंट नहीं दिए, अभी भी मार्च अप्रैल मई अभी खत्म 3 महीना नहीं दिए। मांगने गए सारा स्टाफ मिलके तो बोले कि हम ही लोग के ऊपर केस कर दिए कि धमकी देने, ये लोग मारपीट करने आए, धक्का मुक्की करने। हम लोग जबकि पैसा मांगने गए थे इस कोविड में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, बोले पैसा नहीं है नहीं देंगे। 5,000 रुपये डाल दिए मार्च में, हो गया तक नहीं पैसा, नहीं नहीं मिला है सर अभी तक। कैसे घर का खर्च चला? किसी तरह उधारी लेके, रेंट अभी नहीं दिए हुए हैं, रेंट बढ़ता जा रहा है हम लोग का। 3 महीना से रेंट नहीं दिए, रेंट बढ़ता जा रहा है, उधारी दुकान से ले रहे हैं राशन। घर मालिक बोलते हैं कि घर से निकाल? नहीं बोलते हैं सर, नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं कुछ भी। गहरी संवेदनाएं हैं और लोगों से जानते हैं क्या कुछ हुआ है आप लोगों के। हम लोग के साथ तो जो यहाँ के व्यवस्थापक कैसे बने हैं ये हम लोग को जानकारी नहीं है। ये गलत ढंग से कागज बना के अस्पताल पर अपने कब्जा में ले लिए, मालकाना हक ले लिए हैं और तमाम कर्मचारी को भुखमरी के कागार पर छोड़ दिए हैं। पैसा मांगने पर गेट से बाहर चल जाओ, सब पर केस कर देंगे। जबकि प्रधानमंत्री का योजना में कोविड-19 में है कि हर तरह का भुगतान सबको किया जाए और लेकिन हम लोग को कोई नहीं किया जाता है। मकान मालिक भी प्रेम से ही बोलते हैं लेकिन ये कभी नहीं बोलते हैं कि घर खाली कर दो, वो बोलते हैं कि रहिए जब आप लोग को मिलेगा तो देंगे। लेकिन मालिक द्वारा हर स्वास्थ्य कर्मचारी पर जो है वो पूरा शोषण हो रहा है, डॉक्टर पर शोषण हो रहा है और किसी को पैसा नहीं देते हैं। तमाम कर्मचारी को मांगने पर बेइज्जत करना, गेट से बाहर कर देना। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ बीजेपी के विधायक भी पहुँचे हुए हैं। बताइए विधायक जी, आपके क्षेत्र में कई महीनों से इस अस्पताल में पेमेंट नहीं हो रहा है, लोग कैसे जिएंगे? आपके प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि तमाम मानवीय संवेदनाएँ व्यक्त करके लोगों का भुगतान करें, जो प्रबंधक हैं कर्मचारियों का भुगतान करें। हमें जानकारी मिली, इसी के तहत मैं आज अभी यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात करूँगा और बात करके किस तरह से इन लोग को पेमेंट कराया जाए उसके लिए एक रास्ता निकाला जाए। क्योंकि 3 महीने से काफ़ी सब गरीब परिवार के लोग हैं यहाँ और काफ़ी व्यवहार, इनके व्यवहार से भी कुछ लोग आहत भी हैं। हम चाहेंगे कि इनसे अभी कौन होंगे, अभी तो हम आए हैं, मैनेजमेंट से बात करेंगे और अस्पताल अच्छा से चले। मैनेजमेंट चूँकि हाथ पैर यहाँ के कर्मचारी ही है, इन लोग से आपस में बैठकर सहानुभूतिपूर्वक बात करके इसका समाधान निकालें। 3-4 महीने जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो ऐसे में कैसे लोग घर का गुजारा करेंगे, कैसे घर चलाएंगे? निश्चित तौर पर दिक्कत है, निश्चित है। बस इसी के लिए हम मैनेजमेंट के लोगों से बात करें। तमाम परेशानियां हैं इन साई अस्पताल के कर्मचारियों के साथ और ये कर्मचारी अब इस उम्मीद में है कि जब विधायक महोदय आ ही गए हैं तो इस समस्या का समाधान हो ही जाएगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ